Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm going to discuss top 5 tips and tricks for examination of MSc and my special focus on chemistry. So I am going to discuss all 5 topics, all 5 points on the basis of chemistry, MSc chemistry. So let's get started. If you like the video, please click on the subscribe button and share this video with your friends and classmates too. So first my topic hai. First is make a timetable. You have to start a timetable before your examination, 1 month or 15 डेज जितना टाइम आपके पास है उससे पहले आपको एक टाइम टेबल बना लेना है जिसमें आपको ये डिसाइड करना है आपको एक दिन में 1 से 2 चैप्टर जितना आप कर सकते हो बट आपको अच्छे से करना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो एक दिन में आपको 1 चैप्टर करना है, आप ये टाइम टेबल बना लीजिए। देन आता है आपका सेकेंड पे नोट्स बनाना। अब हमें समझ नहीं आता कि हम नोट्स किसके अकॉर्डिंग बनाएं क्योंकि हमें स्कोर अच्छा करना है, हमारा फोकस है इस टाइम स्कोर अच्छा करना। नॉलेज हम एक ईयर में ले चुके हैं तो इसके लिए आपको क्या टिप्स फॉलो करना होता है। कुछ लोग होते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छे, कुछ होते हैं न्यूमेरिक पार्ट में अच्छे। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे नोट्स को थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों में डिवाइड कर देना है। थर्ड पॉइंट आपका यह आ जाता है कि अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट में अच्छे हो तो आप थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस करो, न्यूमेरिकल को आप छोड़ दो। आप थ्योरेटिकल पार्ट तैयार करो, लाइक थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो आपको करना है 100% और जो न्यूमेरिकल पार्ट है आप उसमें कच्चे हो तो वो आपको करना है सिर्फ 10-20%। लाइक आप थोड़ा सा उसे अटैम्प्ट कर लो बट आपको स्कोर अच्छा करना है तो आप जिसमें अच्छे हो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। स्कोरिंग के लिए बेस्ट होता है, जो ज़रूरी नहीं आपको पूरा सिलेबस करना है, नहीं आप जिस चीज़ में बेस्ट हो उसे पूरे अच्छे तरीके से उसमें अपना 100% दो तो आपका स्कोर जो है वो एमएससी में बहुत हद तक बेटर हो जाता है। जाते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे जो है हाउ टू रिमेंबर, लाइक कि आपको याद कैसे करना है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप नोट्स बनाओ अपने टॉपिक को पॉइंट वाइज लिख लो, आपको वो चेक नहीं कराना, कोई टीचर आपको डांटेगा नहीं। लाइक बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको क्या करना है उसे पॉइंट में डिवाइड कर देना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। उस तरह से क्या होगा, आपको कोई भी हार्ड से हार्ड जो टॉपिक है वो भी बहुत सिंपल वे में याद हो जाएगा और आप उसकी कोई लाइन मिस नहीं करोगे क्योंकि आपको याद रहेगा कि फर्स्ट नंबर पे ये था और सेकंड नंबर पे ये था। तो अपने पूरे सिलेबस को पॉइंट वाइज ज़रूर डिवाइड करें, उसके बाद ही नोट्स बनाएं। देन आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे जो है ऑलवेज मेक कीज़ ऑफ योर चैप्टर। जो भी आपका चैप्टर है उसे पूरे पे रटाफिकेशन ना करें, उसकी कीज़ बना ले, लाइक जो टॉपिक है उसकी मेन चीज़ बना के उस पर लिख ले जिससे कि आपको याद रहे कि उस चैप्टर में ये मेन चीज़ है और ये इसकी कीज़ है। अगर आप उन कीज़ को लिखते हो और उन पर थोड़ा सा आप 1 या 2 लाइन भी लिखते हो तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। तो अब आ जाते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़रूर समझना एंड ट्राई करना और शेयर भी कर देना। सो बाय बाय।